बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक है मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नाडाइक। इस प्रकार आपके एग्जाम में हॉस्टल वाड़ाने में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार रिवीजन करके जाइएगा, 25 क्वेश्चन करेंगे 10 मिनट में। तो एक बार रिवीजन अवश्य कीजिएगा। पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, अंतिम तक वीडियो देख के जाना। देखेंगे हम पहली बार बात करें छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन है जिसमें आपका 300 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। साथ ही अगर इसके बाद में बात करूं तो 600 पदों पर फिर से एक भर्ती विज्ञापन जारी होगा हॉस्टल वार्डन का, ठीक है। तो एक बार रिवीजन अवश्य कीजिएगा, पहली बार आए तो लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो। चलिए मैं बात करूँ अधिगम मनोविज्ञान के जनक एम्बिगस हॉस। आधुनिक मनोविज्ञान के हैं विलियम जेम्स, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के हैं विलियम वुड। छत्तीसगढ़ हॉस्टल वाड़ाने में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर पूरा हॉस्टल वाड़ाने का क्वेश्चन पेपर 16 और 14 क्वेश्चन पेपर हमने कर लिया है। पहला क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो इसका आंसर जीन पियाजे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कौन है बाल मनोविज्ञान के जनक, एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्योंकि हॉस्टल वाड़ाने में आपको बाल मनोविज्ञान में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। कंप्यूटर का आपका 30 नंबर, सिलेबस चेंज हो गया है। उसी प्रकार मैथ्स का आपका 25 नंबर, सामान्य ज्ञान भारत का आपका 15 नंबर, छत्तीसगढ़ का आपका 5 नंबर, ठीक। मैं बात करूँ सिलेबस का, अब बात करूँ बाल मनोविज्ञान के जनक के पूछा गया है तो जीन पियाजे। बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब से हुई है, इस टॉपिक को एक बार अच्छे से समझिएगा। तो बाल मनोविज्ञान की जो शुरुआत हुई है आपका 1840 में, कब शुरुआत हुई है 1840 में, एक बार याद कीजिएगा। बाल मनोविज्ञान यहाँ पर कमेंट ना करें, बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई है 1840 में। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, जीन पियाजे, जीन पियाजे, इसको याद करके जाना। अब मैं बात करूँ बाल मनोविज्ञान के कौन से बुनियादी क्षेत्र हैं, तो इनका है व्यवहार, विकास, भावना, सामाजिकीकरण। यानी कि जो बाल मनोविज्ञान है उनके जो बुनियादी क्षेत्र हैं उसका आ जाएगा व्यवहार, विकास, भावनाएं और सामाजिकरण, ठीक। चलिए मैं बात करूँ क्या है बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान की शाखा क्या है, तो ये आ जाएगा आपका, हाँ बिल्कुल, क्या बाल मनोविज्ञान एक मनोविज्ञान की शाखा है, बिल्कुल जी, राइट हो गई इसका आंसर, जी हाँ बिल्कुल, बाल मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की एक शाखा ही है। और बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम क्या है, तो बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम है विकासात्मक, इसको याद करके जाना, विकासात्मक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान है ना। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे बाल मनोविज्ञान से। तो बाल मनोविज्ञान को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान, जबकि बाल मनोविज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है, तो बाल मनोविज्ञान में आपका किया जाता है बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन, गर्भकाल की परिपक्वता का, है ना। तो ये आपकी शिक्षक भर्ती के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हॉस्टल वाड़ाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर इतना क्वेश्चन कर लेते हैं 25 क्वेश्चन, मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है इसको अच्छे से याद रखना, बाल मनोविज्ञान में बच्चों के शारीरिक, मानसिक और विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के गर्भकाल में परिपक्वता, ठीक। मैं बात करूँ प्लेटो ने बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया गया था, ऐसा कौन सा विधि को अपनाया गया था प्लेटो ने, तो ये आपका विप्रयोग विधि, विप्रयोग, ठीक है, रिपब्लिक पुस्तक के द्वारा, ठीक। व्यक्तिगत निदान पद्धति को कौन से पद्धति परिवर्तन संशोधित किया गया था, तो मनोविश्लेषण, याद रखना। भाषा विज्ञान में नवजात शिशु की प्रथम ध्वनि क्या है, तो भाषा विकास में जो नवजात शिशु है उसकी प्रथम ध्वनि होती है आपका कंदन, कंदन, याद रखना, क्या, कंदन, इसको अच्छे से याद रखना कि माँ शब्द, ठीक। जब भी भाषा का विकास में नवजात शिशु को प्रथम जो ध्वनि होती है, ध्वनि निकलती है शुरुआत में, क्रंदन से निकलती है, ठीक है, है ना। तो कई लोग आंसर ये देख रहे हैं बल बनाना या माँ शब्द, ये नहीं होगा, क्रंदन, क्रंदन होगा, ठीक। बाल मनोविज्ञान के तहत, बाल मनोविज्ञान के तहत है ना, बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले इसमें कौन से तत्व शामिल नहीं है पूछा गया है, तो ये आपका स्वभाव, ठीक। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, मानसिक आय का वास्तविक आय क्या है, तो याद रखना जो मानसिक आय का वास्तविक आय का 100 से गुणा करना है, और 90 से कम बुद्धि लब्धि बालक किसके अंतर्गत आता है, तो मंद बुद्धि, याद रखना 90 से कम बुद्धि वाले
उसमें मंद बुद्धि वाले आते हैं, मंद, ठीक, 90 से कम बोला जाएगा। बच्चे में बाल अपराध कौन सा प्रमुख कारण होता है? बच्चों में जो बाल अपराध होता है भौतिक होता है, आर्थिक होता है, सामाजिक होता है, तीनों, क्या होगा, तीनों, ठीक। बच्चों में प्रमुख बाल अपराध क्या है? तो ये आपका झूठ बोलना, चोरी करना, जुआ खेलना, ये बाल अपराध है बच्चों के लिए, ठीक है। अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द किससे बना है? जो अंग्रेजी होता है आपका ग्रीक भाषा से बना होता है, किसे, ग्रीक भाषा से। अंग्रेजी का जो साइकोलॉजी शब्द है ये ऑप्शन ए होगा, ठीक। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो आपको बालकों को विकास का अध्ययन कर गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। ये कथन किसका है? तो यह कथन क्रो एवं क्रोक ही है, याद रखना, ठीक। जब भी बाल मनोविज्ञान का या विज्ञान पूछा जाए बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक है तो इसका किसका रहेगा, क्रो का, ठीक। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें पूछा क्या गया है कि जन्म से परिपक्व तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जा सकता है, तो ये किसका है, जेम्स ड्रेवर का, किसका है, जेम्स ड्रेवर का। बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक मनोविश्लेषणवादी, जो आपको पहले अभी बताया था, सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आपका किया था एस फ्रॉयड ने, किसने किया था, एस फ्रॉयड ने, याद रखना, किसने, एस फ्रॉयड ने, ठीक है। व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आपका जगह डॉन डॉलर एवं पीजे नीर ने, कौन, जॉन डॉलर, ठीक, जॉन डॉलर एवं पीजे नीर ने, ओके। चलिए, बच्चों के अध्ययन के कौन से तरीके हैं, बच्चों का जो अध्ययन है कौन सा तरीका है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक। अब देखेंगे 23वां का आंसर क्या होगा, तो विकास से वृद्धि का तात्पर्य क्या है, तो ए आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि, इसको एक बार अच्छे से दिमाग में रखिएगा, विकास में वृद्धि का तात्पर्य पूछा जाए, जब भी विकास से संबंधित उसके वृद्धि के बारे में पूछा जाए तो आपका आकार से संबंधित है सोच, समझ और कौशल में वृद्धि, ना कि ज्ञान, वजन या संवेग से, ठीक है। जब भी विकास के बारे में बात करें तो विकास किससे होता है, सोच समझ से होता है। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी अवस्था है, जब भी आप तनाव रखेंगे तो आपका रहेगा किशोरावस्था, ठीक है। तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है किशोरावस्था होती है। बालक का विकास परिणाम है, बालक का जो विकास परिणाम कौन सा है, वंशानुक्रम, वातावरण की अंतःक्रिया, ठीक। भारत में मनोविज्ञान के जनक, अब भारत में पूछा गया मनोविज्ञान के जनक, तो डॉक्टर सेन गुप्ता, कौन है, सेन गुप्ता। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताएंगे, ये ऐसी वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर करना, ठीक है। तो भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन सा है, तो डॉक्टर सेन गुप्ता जी, ठीक।